सभी साथियों को नमस्कार। इस वक्त एक और बड़ा हैरान करने वाला ताजा मामला सामने आ रहा है। विधायक ने महिला के साथ गैंगरेप किया और इस बड़ी घटना में एक नहीं करीब 9 लोग शामिल हैं जिनके खिलाफ महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसका वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की वजह से विधायक के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया गया है। चलिए क्या है पूरा मामला, दंगेश खबर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से। यदि पहली बार आप S24 न्यूज़ पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर महत्वपूर्ण ताज़ा खबरें और क्षेत्रीय खबरें आप तक जरूर पहुंचती हैं। ये ताज़ा खबर राजस्थान के बाड़मेर जिले से सामने आ रही है। महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वो पंचपदरा से अपने पति के इलाज के लिए जा रही थी। बस में उसकी मुलाकात एक राम स्वरूप नामक व्यक्ति से होती है। उसने उससे दोस्ती की और फिर होटल में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। वहां उसे नशे की गोलियां खिलाई और उसका गलत काम करते हुए का वीडियो बना लिया। बलात्कार के दौरान जो बनाए गए वीडियो और फोटो के माध्यम से वह उसे ब्लैकमेल करने लगा। राम स्वरूप ने उसकी मुलाकात फिर बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन से कराई। मेवाराम जैन ने भी उसके साथ कई बार बलात्कार किया है। उसने संबंध बनाने के लिए होटल में उसको बार बार बुलाने लगे, यानी कि जैन मेवाराम जैन विधायक और राम स्वरूप ने उसके साथ मिलकर कई बार इस घटना को अंजाम दिया है। घर भी वो आते तो उसकी 15 साल की नाबालिग बेटी के साथ भी छेड़छाड़ करते। दोस्तों, इस घटना ने पूरे प्रदेश को ही शर्मसार कर दिया है। अफसोस, ये मेवाराम कांग्रेस से संबंधित हैं, ये कांग्रेस के विधायक हैं। अब की बार चुनाव में वो हार भी गए थे, लेकिन इस बड़ी घटना ने पूरे क्षेत्र को बदनाम कर दिया है। वैसे आपका क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। अब आपको हम बताएंगे, जैसे ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इसके खिलाफ कांग्रेस ने तुरंत एक्शन लिया है। बलात्कार में फंसे पूर्व विधायक मेवाराम जैन को कांग्रेस ने पूरी तरह निलंबित कर दिया है और ये जानकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो कि राजस्थान के गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उन्होंने शनिवार रात 12 बजे इसका आदेश जारी किया है। और उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मेवाराम के अनैतिक कार्यों से स्पष्ट होता है कि उन्होंने कांग्रेस के संविधान के खिलाफ जो आचरण किया है, इसके लिए उसे इस विधायक पद से निलंबित किया जाता है। आपको बताना चाहेंगे, इस समय ये बड़ी खबरें राजस्थान से सामने आ रही हैं। पीड़ित महिला ने 20 दिसंबर को जोधपुर के राजीव गांधी नगर थाने में करीब 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, जिसमें विधायक मेवाराम, इसके अलावा बस में मिले राम स्वरूप आचार्य, वहां पर थाने के कोतवाल गंगाराम खावा, इसके अलावा यहाँ पर बाड़मेर के DSP आनंद सिंह राजपुरोहित, इसके अलावा बाड़मेर के प्रधान प्रतिनिधि गिरधर सिंह सोडा, नगर परिषद के उप सभापति सुल्तान सिंह, गोपाल सिंह राजपुरोहित, प्रवीण सेठिया सहित करीब 9 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। अब यूँ कहें कि महिला ने उच्च पदों पर आसीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, तो ऐसे में आपका क्या कहना है, आप दोनों तरफ से सोचिए। हालांकि विधायक मेवाराम का तो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, इसलिए उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया गया है, लेकिन इसमें जो बड़े बड़े उच्च अधिकारियों के खिलाफ भी जो मामला दर्ज करवाया है वो बड़ा हैरान करने वाला है और एक तरह से असमंजस की स्थिति भी पैदा करता है। आपको बताना चाहेंगे, महिला ने 20 दिसंबर 2023 को जोधपुर में गैंग रेप का मामला दर्ज करवाया था, जिसमें पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित कई 18 धाराओं में ये मामला दर्ज कर लिया था। और पीड़िता ने उस समय आरोप लगाया था कि जब मेवाराम विधायक थे तो उसने अपने दम पर अपने खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने दिया, बल्कि मेवाराम ने ही मामला दर्ज कराकर पीड़िता को सेक्स टॉर्शन बताकर गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन अब उसका ये वीडियो जब तेजी से वायरल हो रहा है और अब की बार जो चुनाव हुई है राजस्थान में, उसमें ये कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन हार गया था। अब वर्तमान में वहाँ पर BJP सरकार है, महिला की सुनी जा रही है और ऐसे में इसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया गया है और कांग्रेस ने भी इसके खिलाफ एक्शन लिया है। कांग्रेस ने भी विधायक पद से उसको निलंबित कर दिया है।
पीड़िताना मेवाराम सहित करीब 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। जोधपुर के राजीव गांधी नगर थाने में SC/ST एक्ट, इस्कलापा गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट सहित 18 मामला दर्ज करवाया है। उसी का अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि जब उस समय विधायक मेवाराम जैन थे तब वहां पर DSP कोतवाल यानी कि इस थाने ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन अब पूरी तरह कार्रवाई हो रही है, जिस कारण है मुख्य कारण सोशल मीडिया पर फिर से ये वीडियो तेजी से वायरल होना, इसी का विधायक पर काफ़ी असर पड़ा है। देखते रहेंगे आपको ताज़ा खबरें, बने रहिए H24 न्यूज़ के साथ।